मस्तक के मध्य पर चमकता हुआ मैं एक दिव्य मणि हूं। मुझसे निकलता हुआ दिव्य प्रकाश तेजस्वी किरणों के रूप में पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरा यह स्थूल शरीर जैसे लाइट के आकार में परिवर्तित हो गया है। अब मन में स्नेह के सागर बाप दादा से मिलन का संकल्प लिए मैं फरिश्ता बन स्नेह के पंखों से उड़ते हुए पहुंच जाता हूं मधुबन। उपस्थित हो जाता हूं बाबा की कुटिया में। यह स्नेह मिलन का धाम है। चारों ओर स्नेहमयी वातावरण है। मैं स्नेह के सागर बाप दादा के एकदम सन्मुख हूं। निरंतर निहार रहा हूं बाबा के आकर्षण मूर्त नैनों को। स्नेह के सागर बाबा के दोनों नयनों से निकली हुई स्नेह की अनंत किरणें मुझ में समा रही है। मैं स्नेह के सागर में खो जाता हूं। परमात्मा स्नेह में लवलीन हो जाता हूं। बस मैं और बाबा।
एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप के स्नेह में समाकर मैंने सारे पुराने संसार को सहज भुला दिया है। अब बाबा ही संसार है, मैं और बाबा हम दोनों खो जाते हैं एक दूजे के स्नेह में। इस रूहानी स्नेह ने ही मुझे सहज योगी बना दिया है। रूहानी स्नेह की शक्ति ने ही मुझे सदा के लिए एक बाप का बना दिया है। यह रूहानी स्नेह ही मेरे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। यह रूहानी स्नेह ही शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। मैं नंबर वन परमात्मा स्नेही आत्मा हूं। सदा ही एक बाप के स्नेह में लवलीन रहता हूं। सदा स्नेह में लवलीन रहकर ही मैं मेहनत और मुश्किल से मुक्त रहता हूं। सर्व शक्तियों का अधिकारी बन जाता हूं। सदा स्नेही होने से प्रकृति और माया मेरे आगे दासी बन जाती है। अब संकल्प में भी प्रकृति व माया के अधीन नहीं।
मैं परमात्मा स्नेही आत्मा प्रकृति का मालिक बन जाता हूं। प्रकृति जीत माया जीत बन जाता हूं। ओम शांति।